नमस्कार, मैं हूं दिव्या। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। नीट यूजी 2024 के पेपर लीक की जताई जा रही आशंका। बिहार को एक और वंदे भारत एक्सप्रेस की मिलेगी सौगात। प्रदेश में कई जगहों पर बारिश को लेकर अलर्ट। ICSE 10वीं और 12वीं का रिजल्ट हुआ जारी। राजस्थान रॉयल्स की खत्म हुई बादशाहत। KKR ने ली जगह। इसके साथ ही बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बिहार को एक और वंदे भारत एक्सप्रेस की मिलेगी सौगात। बिहार वासियों को एक और वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की सौगात रेलवे द्वारा दी जाएगी। इस ट्रेन का संचालन सहरसा से लेकर हावड़ा तक होगा। सहरसा के वॉशिंग पीट लाइन 2 में ट्रेन के मेंटेनेंस, सफाई और धुलाई का काम किया जाएगा। इस ट्रेन का संचालन आने वाले 5 से 6 महीने में होने वाला है, जिससे कोसी वासियों को सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा। बता दें कि ये ट्रेन 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ने वाली है। रेलवे के मुताबिक वंदे भारत का संचालन मुजफ्फरपुर से दिल्ली, जयनगर से दिल्ली वाया मुजफ्फरपुर से भी किया जाएगा। इसके अलावा पटना से नई दिल्ली के लिए एक स्लीपर और दरभंगा से दिल्ली और रक्सौल से दिल्ली के लिए भी एक एक अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन का संचालन होने वाला है। नीट यूजी 2024 के पेपर लीक की जताई जा रही आशंका। पूरे देश में कल नीट यूजी 2024 की परीक्षा आयोजित हुई थी। यह परीक्षा देश के 571 शहरों और देश के बाहर 14 शहरों में देखने को मिली थी। परीक्षा में इस बार कुल 23,81,833 बच्चे शामिल हुए थे, लेकिन अब परीक्षा में पेपर लीक का मामला सामने आ रहा है। दरअसल परीक्षा में शामिल हुए 14 सॉल्वर को बिहार समेत झारखंड और राजस्थान में कई जगहों से गिरफ्तार किया गया है। पटना पुलिस भी पेपर लीक मामले में FIR दर्ज कर चुकी है और इस मामले की छानबीन कर रही है। मीडिया में चल रही खबरों के मुताबिक सॉल्वर गैंग ने कई कैंडिडेट से 20 लाख रुपए लिए थे। साथ ही सॉल्वर्स को प्रश्न पत्र रटवाने के लिए उन्हें पटना के कई लॉज में रखा गया था। मामले की जानकारी सामने आते ही पुलिस ने कई लॉज में छापेमारी की। वहीं SSP राजीव मिश्रा ने बताया है कि पेपर लीक मामले में जांच चल रही है और जांच के बाद बताएंगे कि सही में पेपर लीक हुआ है या नहीं। पकड़े गए लोगों से पूछताछ जारी है। 7 मई को होने वाले चुनाव को लेकर इंडिया नेपाल के बॉर्डर हुए सील। 7 मई को बिहार में तीसरे चरण में होने वाले 5 सीटों पर चुनाव को लेकर मधुबनी जिले से सटे इंडिया नेपाल के बॉर्डर को सील कर दिया गया है। बता दें कि तीसरे चरण के चुनाव में मधुबनी जिले के झंझारपुर लोकसभा क्षेत्र में भी चुनाव होने वाले हैं। ये बॉर्डर मंगलवार की देर शाम तक सील ही रहेंगे। इंडिया नेपाल बॉर्डर को सील करने के साथ ही बॉर्डर क्षेत्र में नेपाल APF के जवान और भारत के SSB के जवानों की चौकसी को बढ़ा दिया गया है, जिसके तहत दोनों देशों के सुरक्षा बल बॉर्डर पर ज्वाइंट पेट्रोलिंग कर रहे हैं। आपको बता दें कि अति आवश्यक और आवश्यक कार्यों को छोड़कर दोनों देश के पैदल, ट्रेन और अन्य किसी भी तरह के वाहन की आवाजाही बंद रहेगी। ICSE 10वीं और 12वीं का रिजल्ट हुआ जारी। इंडियन सर्टिफिकेट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी ICSE 10वीं और 12वीं का रिजल्ट जारी कर चुका है। ये रिजल्ट काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन द्वारा जारी किया गया है। जो भी बच्चे ICSE 10वीं और 12वीं की परीक्षा में शामिल हुए थे, वे cise.org या फिर results.cise.org पर जाकर अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। आपको बता दें कि ICSE 12वीं में करीब 98.19% बच्चों को सफलता मिली है। वहीं 10वीं के 99.47% बच्चे सफल रहे हैं। परीक्षा में लड़कियों का प्रदर्शन सबसे अच्छा देखने को मिला है। दरभंगा से नई दिल्ली जाने वाली क्लोन एक्सप्रेस में बड़ा हादसा होने से टला। दरभंगा से नई दिल्ली जाने वाली क्लोन एक्सप्रेस छपरा में बड़ा हादसा होने से टल गया है। दरअसल ट्रेन में अचानक आग की लपटें पहुंचने की खबर सामने आई, लेकिन लोको पायलट ने अपनी सूझबूझ से इमरजेंसी ब्रेक को लगा दिया, जिस वजह से ट्रेन आग की लपटों में आने से बच गई। बता दें कि यह हादसा छपरा सिवान रेलखंड के चैनवा स्टेशन के पास हुआ था। जानकारी के मुताबिक ट्रेन चैनवा स्टेशन से जब 108 किलोमीटर की स्पीड से गुजर रही थी, यहां रेलवे विद्युतीकरण के SSP क्षेत्र में आग लगी। लपटें रेलवे ट्रैक तक आ गई, जहां लोको पायलट ने समय रहते ही इमरजेंसी ब्रेक लगा दिया और बड़ा हादसा होने से बच गया। ट्रेन में कई जगहों पर बारिश को लेकर अलर्ट। बिहार में कई जगहों पर मौसम बदलता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल मौसम विभाग द्वारा बारिश, तेज हवा और मेघ गर्जन को लेकर अलर्ट जारी किया गया है, जिसका असर देखना भी शुरू हो चुका है। प्रदेश में अधिकतर जगहों पर बारिश की संभावना जताई गई थी। बारिश की संभावना के साथ ही तापमान में गिरावट देखने को मिली है, जिससे लोगों को गर्मी और लू से थोड़ी राहत मिली है। मौसम विभाग के मुताबिक मंगलवार को राजधानी पटना समेत कई जगहों पर तेज आंधी और बारिश की संभावना है। बदलते मौसम को लेकर किसानों को भी सतर्क रहने की सलाह दी गई है। साथ ही कहा गया है कि किसान अपनी फसल को सुरक्षित रख लें। शाही लीची को मौसम के दुष्प्रभाव से बचाने के लिए वैज्ञानिक करेंगे शोध। बिहार के मुजफ्फरपुर की शाही लीची पूरे विश्व में प्रसिद्ध है।
दूर दूर से लोग शाही लीची की डिमांड करते हैं, लेकिन बगान में लगे लीची का खास ख्याल रखना भी काफ़ी ज़रूरी होता है। दरअसल ज़्यादा बारिश या ज़्यादा गर्मी पड़ने के कारण बगान में लगे लीची के फल को नुकसान हो सकता है। अब मौसम के दुष्प्रभाव से लीची को बचाने के लिए शाही लीची के तापमान सहने की क्षमता पर शोध किया जाएगा। ये शोध राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केंद्र मुसहरी की तरफ से किया जाना है। मिली जानकारी के मुताबिक शाही लीची के बगानों में कुछ अलग दिखने वाले पेड़ और फल की जानकारी के लिए वैज्ञानिक किसानों से संपर्क कर रहे हैं। बिहार के मुंगेर में चिंगारी से निकली आग से 40 घर जलकर हुए राख। बिहार के मुंगेर में आग के कारण बड़ा हादसा देखने को मिला है। मुंगेर में ये मामला मुफस्सिल थाना क्षेत्र के करारी टोला तौफीर गांव का है। बता दें कि यहां आग लगने के कारण 40 से भी अधिक घर जलकर राख हो गए हैं। दमकल की टीम ने बड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया है। हालांकि तब तक लाखों की संपत्ति का नुकसान पहुंच चुका था। आपको बता दें कि राख के ढेर से एक चिंगारी सुबोध यादव के घर में पहुंच गई थी। आग इतना फैला कि 40 से अधिक घरों को अपनी लपेट में ले चुका था। इन घरों में एक भी सामान आग लगने के कारण नहीं बचे हैं। कहा जा रहा है कि 50 लाख से ज़्यादा की संपत्ति का नुकसान हुआ है। हालांकि इस घटना में वहाँ मौजूद रहे लोग सुरक्षित रहे। कॉरिडोर एक में दानापुर स्टेशन की तरफ मेट्रो ले रहा आकार। पटना में जल्दी मेट्रो का सपना साकार होने वाला है। दरअसल कॉरिडोर एक में दानापुर स्टेशन की तरफ यू गर्डर लगाया गया है। इसके लगने से मेट्रो का लाइन आकार लेता दिख रहा है। आपको बता दें कि दानापुर स्टेशन का निर्माण सगुना मोड़ से कैंट की तरफ से हो रहा है। यू गर्डर लगने के बाद वहां ट्रैक बिछाया जाता है। वहीं पिलर का निर्माण कार्य दानापुर स्टेशन के लिए पूरा भी किया जा चुका है। मिली जानकारी के मुताबिक अब इस स्थान पर जल्द ही कॉनकोर्स एरिया और प्लेटफॉर्म लेवल क्रॉस आर्म लगाए जाने की तैयारी है। भोजपुरी अभिनेत्री अन्नपूर्णा कत्ल मामले की गुत्थी सुलझाने में लगी पुलिस। पुलिस भोजपुरी अभिनेत्री अन्नपूर्णा और अमृता पांडे के कत्ल के मामले की गुत्थी सुलझाने में लगी हुई है। आपको बता दें कि इनका शव 27 अप्रैल को आदमपुर स्थित फ्लैट पर फंदे से लटका मिला था। बीते ही दिन इस मामले में अमृता पांडे के परिजनों से पुलिस ने पूछताछ की थी। अमृता पांडे का जब शव बरामद हुआ तो बताया गया कि मामला खुदकुशी का है, लेकिन जब पोस्टमार्टम हुआ तो पता चला कि किसी ने अभिनेत्री के गला घोट कर कत्ल किया है। अमृता के परिजनों ने बताया था कि वे डिप्रेशन में थे, इसलिए उन्होंने खुदकुशी कर ली है। हालांकि अब जब कत्ल का मामला सामने आया है तो परिजनों द्वारा बताया गया है कि वे मामले की जांच में पुलिस को अपना पूरा सहयोग देंगे। इसके अलावा मामले के विस्तार से जांच के लिए मोबाइल भी जब्त किया गया है। मोबाइल की जाँच के लिए इसे FSL भी भेजा जा सकता है। बिहार में मोइनुल हक स्टेडियम में स्विमिंग पूल का हुआ निर्माण। बिहार में राज्य सरकार द्वारा खेलकूद को काफ़ी बढ़ावा दिया जा रहा है। इसी कड़ी में मोइनुल हक स्टेडियम में बिहार राज्य खेल प्राधिकरण द्वारा स्विमिंग पूल का निर्माण हुआ है। बता दें कि इस पूल का साइज हाफ ओलंपिक साइज के स्टैंडर्ड का है। इसकी लंबाई 25 मीटर, चौड़ाई 11 मीटर और गहराई करीब 10 फीट है। मोइनुल हक स्टेडियम में बने स्विमिंग पूल का उद्घाटन भी किया जा चुका है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह ने पीएम मोदी पर लगाया ये आरोप। 7 मई को बिहार में तीसरे चरण का चुनाव होने वाला है। चुनाव को लेकर प्रचार प्रसार थम चुका है, लेकिन एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला अभी भी जारी है। अब इसी कड़ी में कांग्रेस के बिहार प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह ने प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि पीएम मोदी देश पर नागपुरिया संविधान थोपना चाहते हैं। आगे उन्होंने कहा कि भाजपा देश के अति पिछड़ों के अधिकारों को कुचलना चाहती है, इसलिए नरेंद्र मोदी और उनकी टीम देश में नागपुरिया संविधान को स्थापित करने की तैयारी में। अगर अगली बार उनकी सरकार बनी तो संविधान पर भारी संकट उत्पन्न हो जाएगा, इसलिए बीजेपी को रोकना जरूरी है। इसलिए एनडीए के खिलाफ इंडिया गठबंधन पूरी ताकत से बिहार में चुनाव लड़ रहा है। 400 पार का उनका सपना कभी भी साकार नहीं हो पाएगा। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने लालू यादव पर बोला हमला। झारखंड सरकार में कांग्रेस के कोटे से मंत्री रहे आलमगीर आलम के निजी सचिव के घरेलू नौकर के घर से 25 करोड़ रुपए से अधिक कैश ईडी की छापेमारी के दौरान बरामद हुए हैं, जिसके बाद काफी सियासी हंगामा देखने को मिला है। अब इस मामले को लेकर बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि ये सब लुटेरे हैं। लालू प्रसाद का परिवार हो या झारखंड में शिबू सोरेन का परिवार, ये लोग देश को लूटने वाले हैं और लूटने वालों पर जब सरकार कार्रवाई करती है तो दर्द तो होगा ही। जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत कसो ने नित्यानंद राय पर बोला हमला। जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत कसो ने बिहार के स्थानीय नेताओं पर तीखा हमला करते हुए कहा है कि केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय से कितनी बार पूछा जाता है कि उन्होंने कुछ किया भी है बिहार के लिए।
उन्होंने क्या किया है अपने संसदीय क्षेत्र उजियारपुर के लिए? इन नेताओं से सवाल क्यों नहीं किए जाते हैं? सवाल करते हैं कि प्रशांत किशोर केंद्र सरकार के लिए क्या बोल रहे हैं। मैं तो बिहार में पद यात्रा कर रहा हूं, मैंने तो किसी से वोट भी नहीं मांगा, ना ही किसी से पैसे ले रहा हूं। मैं तो जनता को जागरूक करने का बेड़ा उठाया है, इसलिए पैदल यात्रा कर रहा हूं। हम आज हर जगह बोल रहे हैं कि समाज में बेहतरी हो, इसलिए अपना शरीर और ताकत को खपा कर गाँव गाँव घूम रहे हैं और लोगों को जागरूक कर रहे हैं। अपने लिए ना सही, अपने बच्चों के भविष्य के लिए वोट कीजिए। राजस्थान रॉयल्स की खत्म हुई बादशाह, हत्या के आर ने लिया जगह। बीते ही दिन लखनऊ सुपर जायंट्स को कोलकाता नाइट राइडर्स ने आईपीएल के 54वें मैच में 98 रन से मात दे दी। केकेआर के इस बड़ी जीत के बाद पॉइंट्स टेबल में से शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। आपको बता दें कि केकेआर ने अब तक 11 मैच खेले हैं, जिसमें से टीम ने 8 मैच में जीत हासिल की है। बता दें कि अब तक राजस्थान रॉयल्स पहले स्थान पर थी, लेकिन अब ये घसक कर दूसरे स्थान पर आ चुकी है और केकेआर ने पहले स्थान पर अपनी जगह बना ली है। अब मंगलवार को दिल्ली के खिलाफ संजू सैमसन के नेतृत्व वाली राजस्थान रॉयल्स खेल के मैदान में उतरेगी। आपके मुताबिक क्या राजस्थान रॉयल्स वापस पॉइंट्स टेबल पर नंबर 1 में अपनी जगह बना पाएगी? हमें कॉमेंट में लिखकर जरूर बताएं। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वालों के लिए हमने एक नया सेगमेंट शुरू किया है, जिसके तहत हम आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल पूछेंगे जो आपके कई प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। तो हमारा पहला सवाल है, इंडियाज वैक्सीन ग्रोथ स्टोरी पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए है सज्जन सिंह यादव, ऑप्शन बी है भरत सिंह, ऑप्शन सी है चेतन भगत, ऑप्शन डी है मनसुख एम। इसका सही उत्तर है सज्जन सिंह यादव। आम्बेडकर लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए है चेतन भगत, ऑप्शन बी अरुंधति रॉय, ऑप्शन सी है शशि थरूर, ऑप्शन डी है विपिन चंद्रा। इसका सही उत्तर है शशि थरूर। स्मार्ट सिटी की परियोजना की शुरुआत कब हुई थी? ऑप्शन ए है 25 जून 2017, ऑप्शन बी है 25 जून 2015, ऑप्शन सी है 25 जुलाई 2019, ऑप्शन डी है 25 दिसंबर 2022। इसका सही उत्तर है 25 जून 2017। असम के मुख्यमंत्री कौन है? ऑप्शन ए है श्री हेमंत बिस्वा शर्मा, ऑप्शन बी है श्री नीतीश कुमार, ऑप्शन सी है श्री पेमा खांडू, ऑप्शन डी है श्री विष्णुदेव साय। इसका सही उत्तर है श्री हेमंत बिस्वा शर्मा। अंतरिम बजट 2024 किसने पेश किया है? ऑप्शन ए है अरुण गोयल, ऑप्शन बी है स्मृति ईरानी, ऑप्शन सी है निर्मला सीतारमन, ऑप्शन डी है जेपी नड्डा। इसका सही उत्तर है निर्मला सीतारमन। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है गोनर शर्मा, अनवर करीम खान, राजकिशोर महतो, जितेंद्र कुमार सहनी, उपेंद्र कुमार यादव, अमन कुमार, मदन कुमार, नौसाद रजा, दीपक कुमार, सादुल्ला पालवी, रंजित मिश्रा, जितेंद्र ठाकुर, अमित कुमार, मिथिलेश कुमार। इसके साथ ही बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके क्षेत्र में सबसे ज़्यादा किस फसल की खेती की जाती है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज़। और साथ ही अगर आप YouTube से देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना, अगर आप Facebook से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।